9 में कोडी रोज ने गोल्डन टिकट खरीद लिया है रॉयल रंबल जीत के, और उनका मैच होने वाला है ट्रबल चीफ रोमन रेस के साथ। तो मुझे लगता है कि इस मैच के अंदर सैमी जेन भी ऐड हो सकते हैं। कैसे, आइए बताता हूँ। अभी के टाइम पर सैमी जेन सबसे ज्यादा मर्चेंडाइज सेल कर रहे हैं WWE की, और जो भी सुपरस्टार सबसे ज्यादा मर्चेंडाइज सेल करता है WWE वाले उसके बारे में बहुत ही अच्छा सोचते हैं, उसकी बुकिंग बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। इसका रिवॉर्ड सैमी जेन को मिल सकता है रेसलमेनिया के मेन इवेंट में रोमन रेंज वर्सेस सैमी जेन वर्सेस कोडी रोज अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। लेकिन सबके दिल में एक ही सवाल, क्या सैमी जेन अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीत पाएंगे, क्योंकि उस मैच में पहले ही दो खिलाड़ी मौजूद है, कोडी रोज और रोमन रेंज। तो क्या सैमी जेन और कोडी रोज एक दूसरे को ही पिन करके अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीत जाएंगे? तो मुझे नहीं लगता कि इस मैच के अंदर हमको ऐसा कुछ देखने को मिलने वाला है। इस मैच के अंदर परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ ट्रबल चीफ रोमन रेंस अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को रिटेन कर जाएंगे, जिस तरीके से रेसलमेनिया 37 में डैनियल ब्रायन और रेटेड आर सुपरस्टार को किया था। ऐसा ही कुछ हमको रेसलमेनिया 39 में देखने को मिल सकता है। कि आप भी हो ट्रबल चीफ रोमन रेंस के फैन तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ।